नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे चुराया गया माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों सावे रोड स्थित एक फैक्ट्री में चोरी की घटना सामने आई थी, जहां से चोर बड़ी मात्रा में लोहे का माल चुरा कर फरार हो गए थे। वहीं जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक चोरी का माल बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके आधार पर दोनों चोरों को पकड़ा गया और उनसे पूछा कि जिन्होंने सावे रोड स्थित फैक्ट्री में चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल इनकी निशानदेही पर चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। ये थाना बाणगंगा पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 420, जिसमें धारा थी 454-380। एक फैक्ट्री में से JS इंडस्ट्रीज करके फैक्ट्री है सावे रोड पे, वहाँ पे से आरोपियों द्वारा लोहे का जो सामान है निकाल कर उसकी चोरी की गई थी, जिसमें फिर उसमें बहुत तत्परता से हम लोगों ने विवेचना की, फिर मुखबिर लगाए तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो ये चोरी की है उस वो व्यक्ति यहाँ MR4 पे है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर उस लिए के दो लड़के मिले, जिनसे पूछताछ करने के लिए थाने पर लाया गया। जिन्हें पूछताछ की गई थाने पर, तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, जिनसे फिर लोहे का पूरा सामान जब्त हुआ है। जो जितना इन्होंने चोरी किया था, ये इन्होंने आपस में बांटकर अपने अपने घर परदेसीपुरा में रखा था, जहाँ से इनसे विधिवत जब्त कर थाने पर लाया और अन्य पूछताछ की गई। तो और अभी पूछताछ के लिए इनको एक दिन के लिए PR पे लिया था, तो पूरा माल जब्त हो गया। आरोपियों का बैकग्राउंड ये है कि ये अपराध करते हैं, ये थाना परदेसीपुरा में इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों को हमने लगाया है डायरी में और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश कर इनके न्यायिक अभिरक्षा मांगी है। आरोपियों का नाम है सूरज पिता नारायण और एक का नाम है कपिल पिता सुनील। टाइम न्यूज़ देखिए अब